मऊ जिले में एक सपा नेता को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देना महंगा पड़ गया। पीटने वालों ने कलेक्ट्रेट परिसर को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है और करनी सेना के अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के नेता की जमकर धुनाई कर दी। आखिर पूरा मामला यूपी के मऊ का है, जहां करनी सेना के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। खैर, मौजूद तो पुलिस भी थी और आम जनमानस भी, लेकिन सपा नेता को पीटने से कोई नहीं रोक सका। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही सपा नेता महेंद्र सिंह चौहान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होता होगा कि आखिर सपा नेता को क्यों पीटा गया। पूरा मामला ये था कि करनी सेना के पदाधिकारियों का आरोप है कि सपा नेता महेंद्र सिंह चौहान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली दी थी। इस पिटाई के बाद सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए एसपी से शिकायत की। ऐसा न होने पर सड़क पर उतरने की बात कही है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव हैं। उन्होंने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को किसी भी मामले में गाली नहीं दी है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है और उस पर लिखा है, मऊ में पुलिस की मौजूदगी में सत्ता के गुंडों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में सपा नेता महेंद्र चौहान से मारपीट की, तो उसी को लेकर सोशल मीडिया पर प्रदेश में जंगल राज की बात कही है। वीडियो फुटेज के आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोरता कार्रवाई करने की मांग की है। गलियों में